कतमी कहानी जीशु पानी उपर चलता है। 5000 लोगों की भोजन कराने के बाद जीशु ने अपने चेलें की किश्ती उपर जाने की आख्या। उसने उन्हें झील के दुई बखिए जाने आस्ते आख्या ताकि वह थोड़े समय आस्ते उत्थे गए ठहरीए ते चेले चलीए ते जीशु ने भीड़ की विदा किया वो अपने घर जान। इहदे बाद जीशु प्रार्थना करने आस्ते एक पहाड़ उपर चली आ। उत्थे वह इकला हा ते उसने राती बड़े चिर तक प्रार्थना की। उस समय चेले अपनी किश्ती की चलाइए जा दे हे लेकिन हवा उनके विरोध च बड़ी जोर कने चला दी ही। बड़ी रात होई जाने पर भी वह खाली झील दे विच गए पुजे हे। उस समय जीशु ने प्रार्थना करना खत्म की ते अपने चेले कोल वापस जाना शुरू किया। वह किश्ती कोल जाने आस्ते पानी के उपर चलन लग्या। उस वेले चेले ने उसी दिखया। वह बड़े डरीए क्योंकि उन्हें सोचा हा कि वह कोई भूत है। जीशु जानता हा कि वह डरी दे है इस करी उन्हें उसी आला देइए आख्या डरो नहीं ये आऊं है। उस वेले पत्रस ने जीशु की आख्या ए प्रभु अगर तू है ते मिकी पानी उपर चलिए तेरे कोल आने दा हुक्म दे। यीशु ने पत्रस की आख्या आ ते पत्रस किश्ती उपर दा उतरीए ते जीशु दे कोल जाने आस्ते पानी सतह पर चलना शुरू किया। लेकिन थोड़ी दूर जाइए उसने अपनी अखी की जीशु कोला फेरी दिता ते लहरें की दिखना ते तेज हवा की महसूस करना शुरू करी दिता। उस वेले पत्रस डरिया ते पानी च डुबन लग्या ते वह करलाया हे प्रभु मिकी बचा। जीशु ने उसे वेले हथ बधाइए उसी पकड़ी लेता। उस वेले उसने पत्रस की आख्या तेरा विश्वास बड़ा घट है तू कि संभालिए रखने आस्ते ते मेरे उपर भरोसा की नहीं किता। उसले यीशु ने पत्रस किश्ती उपर चढ़ीए ते उसे वेले हवा का चलना बंद होइया पानी शांत होइया चेले हैरान होइए जीशु दे अगे गोडे टेकी दिते। उन्हें उदी आराधना की ते उसी आख्या सच्चें गे तू परमेश्वर का पुत्र है।